अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू साइंस। इस वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट के मतलब जानेंगे कि उसको कंट्रोल करते हुए हम किस तरह ऑर्डर लिस्ट की जो नंबरिंग है उसको अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोमन लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ हम एक थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है उसके मतलब भी जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपना कोड ओपन कर लें विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं अपने फोल्डर में आऊँगा जहाँ पे हम अभी तक काम कर रहे हैं और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। उसकी कमांड है कोड एंड डॉट, एंटर करूँगा ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसे क्लोज करके मैं HTML को ओपन कर लूँगा। इसी को साथ ही मैं यहाँ से कॉपी पास्ट करके गूगल क्रोम में भी ओपन कर लूँगा ताकि हम उसका रिजल्ट देख सकें। अभी तक हमने जो टैग्स कवर कर लिए हैं उनमें H1 टू H6 टैग, P टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, स्पैन टैग और पैराग्राफ टैग। उसी के साथ जो लिस्ट टैग्स हमने कवर कर लिए हैं उनमें OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI लिस्ट आइटम, ये टैग्स हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट की ये नंबरिंग फॉर्मेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे नंबर की बजाय ABC चाहिए वो आप किस तरह ला सकते हैं, या फिर रोमन कैरेक्टर्स जो रोमन नंबर्स होते हैं उनको आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। और साथ ही साथ हम HTML में जो एक थर्ड टाइप की लिस्ट होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट उसके मतलब भी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की इस नंबरिंग को चेंज करने से। HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट के एलिमेंट पर टाइप का एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है। यहाँ पर स्पेस दें और टाइप लिखकर इक्वल डबल कोट्स, ये IDE ने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया डबल कोट्स, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 1। अगर मैं 1 मेंशन करूँगा तो ये इसका डिफॉल्ट है जो करंट चल रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि कोई फर्क यहाँ पर नहीं आया। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और इसको 1 की बजाय यहाँ पर लिख दूंगा कैपिटल A। इसको सेव करूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ चेंज होकर पहले हमारे पास नंबर्स में आ रही थी जो फॉर्मेट जो ऑर्डर था वो नंबर में आ रहा था 1 to 7, अब हमारे पास कैपिटल ABC में नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपको स्मॉल ABC में चाहिए तो आप कैपिटल की जगह स्मॉल A यहाँ पर एंटर करें और सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको रोमन कैरेक्टर्स में चाहिए तो आप कैपिटल I यहाँ पर लिखेंगे और सेव करेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रोमन नंबरिंग के साथ आ गया और कैपिटल रोमन नंबरिंग में आया। अगर आपको स्मॉल में चाहिए कैपिटल I की जगह स्मॉल I टाइप करें, सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि अब ये स्मॉल रोमन नंबर्स को यूज कर रहा है। तो ये टाइप का एट्रीब्यूट OL ऑर्डर्ड लिस्ट पे अवेलेबल है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट पर लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट पर अवेलेबल है जिसके साथ आप ऑर्डर्ड लिस्ट की ये जो साइट पर नंबरिंग है उसकी फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप OL ऑर्डर्ड लिस्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो टाइप इक्वल टू I है ये एट्रीब्यूट है OL का। अगर आप HTML में एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको देख के आप एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि HTML में एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह काम करता है। हर एक HTML का टैग एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है और HTML में काफ़ी टैग्स हैं जिनके साथ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ टाइप का प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो कि इसकी इस फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। मैं टाइप का एट्रीब्यूट एज इट इज कॉपी करके अनऑर्डर्ड लिस्ट को असाइन तो कर सकता हूँ, ये यहाँ पर लग जाएगा। मीन के मैं अगर CSS में इस एट्रीब्यूट के साथ
अनऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग पर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसकी वजह से इस पे विजुअली सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि अगर मैं इसी टाइप के एट्रीब्यूट को ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग पर यूज करूंगा तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि HTML की लैंग्वेज में डिफाइन है, उसकी वजह से इसकी ये फॉर्मेटिंग चेंज होती है। जैसे कि मैं कह चुका, एट्रीब्यूट्स हर एक HTML के टैग पे स्पॉटेड हैं। आप कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी HTML के एलिमेंट को दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एट्रीब्यूट उस टैग का प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है तो वो अपना काम करेगा अगर आप उसको सही वैल्यू पास करेंगे। अगर आप उसको सही वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पर फॉल बैक करेगा। जैसे कि टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। अगर मैं इसे एंटर करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये, लेकिन अगर मैं इसको कोई इनवैलिड वैल्यू पास कर देता हूँ तो फिर भी ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पे फॉल बैक कर देगा। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उस पे फॉल बैक कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेनली जो स्टार्टिंग टैग होता है उस पर असाइन किए जाते हैं हमेशा, कभी भी ये क्लोजिंग टैग पर असाइन नहीं किए जाते हैं। और मोस्टली एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो नेम या की वैल्यू पेयर में आते हैं। नेम जो एट्रीब्यूट का नेम होता है और इक्वल करके डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में उसकी वैल्यू असाइन की जाती है, जो भी उसकी वैल्यू हो। ये नॉर्मल इसका वे होता है। अगर कभी वैल्यू का पार्ट इक्वल और वैल्यू का पार्ट ओमिट किया जाए, स्किप किया जाए, तो उसका मतलब होता है जो डिफॉल्ट वो ये ट्रू इस पे फॉल बैक करता है। मैं इसको इस तरह लिखूं या इसको स्किप कर दूं तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, नेम इक्वल टू ट्रू, ये दोनों आपस में सेम है। एट्रीब्यूट की अगर मैं वैल्यू साइन नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू पे साइन हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था एट्रीब्यूट्स पे। यहां पर मैंने टाइप का एट्रीब्यूट दिया और ये अभी इनवैलिड वैल्यू है तो आप देख सकते हैं कि ये डिफॉल्ट पे सेट हो चुकी है। मैं यहां पर स्मॉल ए एंटर कर दूंगा और सेव करूंगा, क्योंकि ये किसकी वैलिड वैल्यू है, रिफ्रेश करूंगा तो ये अपना जो एट्रीब्यूट HTML में जो डिफाइंड इसकी फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट से। मैं यहां पर कमेंट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका कार होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, D फॉर डिस्क्रिप्शन एंड L फॉर लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसको मैं क्लोज कर देता हूं यहां पे टैग को और यहां पर कमेंट कर देता हूं DL stands for description list। जैसे कि यहां पे UL stands for unordered list, LOL stands for ordered list, DL stands for description list। description list में जो child element है वो LI नहीं है, list item नहीं है इसका child। इसके जो child है वो pair की form में आता है, दो pair मिलकर इसके एक चाइल्ड एलिमेंट बनाते हैं। पहले डी आई और इस टैग को क्लोज कर देता हूं पहले, जो कि डिफाइन करता है इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम का नाम या उसका टाइटल। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम नेम, यहां पे आप जो भी नाम लिखना चाहें, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं HTML और बाद में इसकी डेफिनेशन या इसकी डिटेल या नाम से जो जाहिर है इसकी डिस्क्रिप्शन। पहले हम नाम किसी चीज का बताते हैं कि एक एब्रीवेशन यूज कर लें या कोई भी एक वर्ड यूज कर लें और बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखकर उसको डिफाइन कर लें। यहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का जो तरीका है वो है DD और इस टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। बेसिकली डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर रहा है और फिर जो सेकंड डी आ रहा है वो इसकी डिटेल को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर हम इसकी एब्रीवेशन बना लेंगे DI ये है और DD डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम डिटेल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पे मैं इसे सेव करूंगा और फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करूंगा
तो आप देख सकते हैं कि उसने पहले HTML को जो के DI में मैंने लिखा था, डिस्क्रिप्शन आइटम में मैंने लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम में, उसे पहले लिखा है, और बाद में मैंने जो DD में लिखा था डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम डिटेल में, उसको जरा थोड़ी स्पेस देके लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी स्पेस देके आगे करके लिखा है कि वो उसकी डिटेल। और ये HTML का कोर एलिमेंट है। इसमें हम कोई अभी तक, जैसे कि आपको पता है, हम अभी तक कोई CSS यूज नहीं कर रहे, ये प्योर HTML के साथ यहां पर स्टाइल हुआ है। एक मैं और यहां पे एलिमेंट ऐड कर दूंगा DI, और जैसे कि यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि ये पेयर की फॉर्म में आता है, पहले आप DI को यूज करते हुए उस आइटम का नाम लिखेंगे और फिर DD को यूज करके उस आइटम की डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखेंगे। मैं फिर यहां पर Zions लिख दूंगा और उसकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सॉफ्टवेयर SaaS ऐप डेवलपमेंट कंपनी। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहां पर आप देख लें कि उसने जैसे जो मैंने DI में लिखा था वो फर्स्ट पहले आया है, और जो DD में लिखा था वो आगे आया है। ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट HTML में। हमने टोटल 3 टाइप्स की लिस्ट HTML में डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑर्डर्ड लिस्ट को OL, बाद में हमने डिस्कस किया UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लास्टली अब हमने डिस्कस किया DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमें यूजफुल होती है जब हम एक ऑर्डर को फॉलो करना चाहें कि एक तरतीब के साथ, जैसे कि अगर मैं इस ट्यूटोरियल का एक पॉइंट बेस स्टेप्स बनाऊंगा कि इन स्टेप्स को फॉलो करके इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना है, तो वो एक ऑर्डर लिस्ट में आएगा। अगर मैं आइडियाज अपने डिफरेंट के, मैंने एक ऐप बनानी है उसके आइडियाज लिख रहा हूँ, तो वो अनऑर्डर लिस्ट में आ सकता है। मैं आइडियाज को रफली लिखता जा रहा हूँ, उनमें से जो आइडिया मुझे बेस्ट लगेगा उस पर मैं फर्दर काम करूंगा, वो आ सकता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। लास्टली फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं एक आइडिया का नाम यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि मैं कोई मोबाइल ऐप का यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि इस मोबाइल ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे और ये किस तरह काम करेगी। ये थी HTML में 3 डिफरेंट लिस्ट की टाइप। नेक्स्ट मैं आपको एक टेस्ट दूंगा छोटा सा, और आपको वो परफॉर्म करना होगा। ये मैंने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, जिसकी आप यहाँ से होपफुली फॉर्मेटिंग को समझ रहे होंगे कि ये मेन एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, उसमें फर्स्ट लेवल पे जो LI लिस्ट आइटम्स आएंगे वो डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, SEO, मार्केटिंग और ऐप मेंटेनेंस। और उसके बाद इसमें फर्दर लिस्ट आइटम्स आएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। आप फर्स्ट जो ऑर्डर लिस्ट आइटम होगी उसमें नंबरिंग को यूज कर लें 1-3। सेकेंड लेवल पे जो ऑर्डर लिस्ट आए उसमें रोमन कैरेक्टर यूज कर लें कैपिटल में, और थर्ड लेवल पे जो ऑर्डर लिस्ट आए उसमें रोमन कैरेक्टर्स को यूज कर लें, जो फॉर्मेटिंग के लिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होंगे स्मॉल में। अभी तक इस टेस्ट में मैं 3 लेवल तक ऑर्डर्ड लिस्ट को लेके गया हूँ। ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ ताकि आप सारा टेक्स्ट एक गो में पढ़ सकें। इस टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करें ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम को यूज करते हुए। और एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो लेवल 1 होगा वो नंबरिंग यूज करेगा, जो लेवल 2 होगा वो रोमन कैरेक्टर कैपिटल यूज करेगा, और लेवल 3 की जो लिस्ट आइटम्स होंगी वो स्मॉल रोमन नंबरिंग को यूज करेंगे। ये आपका चैलेंज है, इसको कंप्लीट करें, फिर हम इसे मिलकर कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सारे टेक्स्ट को यहां से कॉपी कर लूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसे रैप कर लूंगा एक ऑर्डर लिस्ट में, और यहां पर मैं इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर लूंगा। नेक्स्ट मैं फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा, बाकी जो टेक्स्ट है मैं उसके अभी कमेंट कर दूंगा और यहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसे के LI में रैप कर लूंगा, और क्योंकि ये लेवल 2 पे जाएगा, ये लेवल 1 की लिस्ट बनेगी, इस पर ये लेवल 2 की लिस्ट में आएगा, तो ये सारा
एक ही LI में रैप होगा। उसमें मेन ये आ गया LI और उसके अंदर फर्दर ये मैंने एक और ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो इसको मैं एक और ऑर्डर लिस्ट में रैप कर लूंगा इस तरह। अब ये काम काफी सिंपल है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं LI में रैप करूंगा और हमारा जो चैलेंज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमने बस बाकियों को इसी तरह कंप्लीट करना है और वो हमें प्रॉपर रिजल्ट में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और देख सकते हैं कि आप ये फर्स्ट में भी नंबरिंग यूज कर रहा है और सेकंड में भी नंबरिंग यूज कर रहा है, जबकि टेस्ट में मैंने कहा था कि सेकंड लेवल पे हम कैपिटल रोमन नंबरिंग को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कोड में आऊंगा और इस ऑर्डर लिस्ट को टाइप का एट्रीब्यूट दे के उसकी वैल्यू जो है कैपिटल I सेट कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ तक का जो काम है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। अब मैं स्पीड के साथ बाकी सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लूंगा और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने बाकी सारे टैग्स को भी ऑर्डर लिस्ट और LI टैग एलिमेंट्स में रैप कर दिया। मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपरली फॉर्मेट है। यहाँ पे अभी हमारी टैग्स फॉर्मेटिंग सही नहीं है क्योंकि ये टैग्स एक लाइन डाउन होना चाहिए और ये दोनों एक इंडेंटेशन इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जो फॉर्मेटिंग का काम है इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड में प्रीटियर की एक्सटेंशन उसको स्टडी करेंगे जिसके थ्रू हमारी ये फॉर्मेटिंग का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ताकि हम सिर्फ अपने कोड लिखने पे फोकस करेंगे और जैसे ही हम अपनी फाइल्स को सेव किया करेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टडी किया, ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट को स्टडी किया और फिर हमने एक स्मॉल चैलेंज को कंप्लीट किया जिसमें कि हमने नेस्टेड लेवल पे लिस्ट आइटम को यूज किया। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.